सिविल लाइन स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में मत्स्य विभाग पर धांधली का आरोप लगाते हुए निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार निषाद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने दिया ज्ञापन। जिलाध्यक्ष डॉक्टर विजय निषाद ने बताया कि निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ 2019 से हैं। सभी कार्यकर्ता एनडीए की जीत दर्ज कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। निषाद पार्टी और बीजेपी पार्टी की सरकार की मंशा है कि गरीब कल्याणकारी योजनाएं सभी जरूरतमंदों को मिले, परंतु जिले के मत्स्य विभाग में इसका उल्टा हो रहा है। जिसने जिसने पैसा दिया उसी के आवेदन को सही दिखाकर जिलाधिकारी से DLC कराकर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का स्वीकृति प्रमाण पत्र दे दिया है। जो पैसा नहीं दिया उसके आवेदन को गलत तरीके से रिजेक्ट कर DLC से बाहर कर दिया गया और उसे नहीं दिया गया। यह सब मत्स्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के अनुसार हो रहा है। आज हमने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मत्स्य विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जांच करवाने की मांग की। अधिकारी दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन जिलाधिकारी महोदय ने दिया। आगे माननीय मत्स्य मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है, यहाँ पे मत्स्य विभाग में धांधलेबाजी कर रहे हैं अधिकारी। पैसा लेकर क्या नाम है, जिसका पैसा पा रहे हैं उसको क्या नाम, उसका योजना पास कर रहे हैं, और जिसका क्या नाम पैसा नहीं पा रहे हैं उसका योजना नहीं पास कर रहे हैं, उसका फार्म रिजेक्ट कर रहे हैं। हमारे समाज के प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जो कि वहाँ से आता है, यहाँ अधिकारी बंटर बांट करके खा लेते हैं, और क्या नाम हमारे समाज के जो फॉर्म पड़े थे उसको सब रिजेक्ट कर दिया गया है। मत्स्य विभाग आज जिलाधिकारी महोदय से हम लोग मिले हैं और हम जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम इसको जांच करवाएंगे, जांच करवा के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। अभी हम लोग नहीं पे थे, अभी हम जिलाधिकारी महोदय दिए हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग मुख्यमंत्री जी को भी और माननीय मंत्री जी को भी ज्ञापन के माध्यम से हम लोग अवगत कराएंगे। डॉक्टर विजय कुमार निषाद, जिलाध्यक्ष निषाद पार्टी अयोध्या।